जब से आम चुनाव प्रारंभ हुए हैं तब से शायद अब तक ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा में तैनात हुए हर पुलिसकर्मी मास्क और सैनिटाइजर लेकर खड़ा होगा। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में है जिसके चलते सभी जगह एहतियात बरती जा रही है। बात करें सांवेर उपचुनाव की तो यहां पर 380 मतदान केंद्र हैं और 100 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस कप्तान द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स और अतिरिक्त रिजर्व फोर्स दूसरे प्रदेशों से बुलाया गया है। करीब 3000 की संख्या में एयरफोर्स आया है और उन्हें प्रशिक्षण इस COVID-19 में किस तरह से मतदान कराया जाना है इसका प्रशिक्षण दिया गया ताकि चुनाव शांति से संपन्न हो सके। गांव में जितने भी क्रिटिकल और वल्नरेबल एरिया हैं, क्रिटिकल पोलिंग बूथ और वल्नरेबल एरिया, इन सभी में चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात किए जाएं। पैरामिलिट्री के अंतर्गत यहाँ पे जो गोवा की SAP है वो 3 कंपनियाँ आई हैं जिसमें लगभग प्रत्येक में 100 के समथिंग जवान हैं। जिला पुलिस बल, SAF और होमगार्ड मिलाकर लगभग 3000 के समथिंग। कहाँ कहाँ तैनाती किया जाता है इनको? ये तो सभी पोलिंग बूथों पर तैनाती होगी, इसके अतिरिक्त जितने भी सेक्टर पुलिस मोबाइल्स हैं उनमें तैनाती रहेगी। कि दो चुनौतियां हैं, एक चुनौती तो ये है कि सुरक्षित मतदान हो और दूसरी चुनौती ये है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें। इसके लिए सुरक्षित मतदान के लिए सभी लोगों को चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही साथ कोविड से कैसे बचाव कर सकें इसके संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया है और सामग्री वितरित की।